Hello, guys, welcome back to the channel. Guys, if you have just started speaking English, then the basic English sentences are going to be very, very helpful. In this video, I have taken some basic English sentences. So, you guys watch this video till the end and definitely you will learn something new. So, guys, without wasting any time, let's get started. द फर्स्ट सेंटेंस इज यह तस्वीर किसकी है इंग्लिश में हम बोलेंगे हूज पिक्चर इज दिस हु पिक्चर इज दिस और हम पिक्चर की जगह फोटो भी बोल सकते हैं हुज फोटो इज दिस नेक्स्ट इज शोर मत करो डोंट मेक अ नॉइस डोंट मेक अ नॉइस क्या आप आम खा चुके हैं हैव यू एटन द मैंगो हैव यू एटन द मैंगो आप कहा जाएंगे वेर विल यू गो वेर विल यू गो उनके पास अपने बैग हैं दे हैव देयर बैग्स दे हैव देयर बैग्स मैं कहता हूं रुको आई से स्टॉप आई से स्टॉप ठीक है अब मुझे अपना काम करने दो ओके नाउ यू लेट मी कंप्लीट माई वर्क ओके नाउ यू लेट मी कंप्लीट माई वर्क नेक्स्ट इज अपना कमरा साफ करो क्लीन योर रूम प्लीज क्लीन योर रूम प्लीज आज छुट्टी का दिन है इट इज हॉलीडे टूडे इट इज हॉलीडे टूडे मैं कार नहीं चलाऊंगा इसको हम बोलेंगे आई विल नॉट ड्राइव द कार आई विल नॉट ड्राइव द कार वह हमेशा स्कूल जाती है सी गोज टू स्कूल एवरी डे सी गोज टू स्कूल एवरी डे मैं मार्केट जा रहा हूं साथ चलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट विल यू कम अलोंग आई एम गोइंग टू मार्केट विल यू कम अलोंग नहीं अभी मैं व्यस्त हूं नो आई एम बिजी एट द मोमेंट No, I am busy at the moment. वह अंग्रेजी सीख रहा है। He is learning English. He is learning English. तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? In which class do you study? In which class do you study? मेरा भाई जयपुर में रहता है। My brother lives in Jaipur. My brother lives in Jaipur. मम्मी खाना बना रही थी। Mom was cooking food. Mom was cooking food. आपकी उम्र कितनी है वट इज योर एज वट इज योर एज और हम ऐसा भी बोल सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू हाउ ओल्ड आर यू क्या तुमने ऐसी चीजों का अनुभव किया है हैव यू एक्सपीरियंस्ड सच थिंग्स हैव यू एक्सपीरियंस्ड सच थिंग्स मुंबई दिल्ली की तुलना में ज्यादा बड़ा है मुंबई इज क्वाइट बिगर देन दिल्ली मुंबई इज क्वाइट बिगर देन दिल्ली क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूं कुड आई मीट यू टुमारो कुड आई मीट यू टुमारो वह तुम्हारी सहायता कर सकता है ही कैन हेल्प यू ही कैन हेल्प यू वह क्रिकेट खेल रहा है He is playing cricket. He is playing cricket. हमेशा समझदारी से व्यवहार करो Always act wisely. Always act wisely. सो so फ्रेंड्स ये वो सेंटेंस थे जो मैंने आपके लिए आज तैयार किए थे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत